मैं ऋषभ ब्लॉग्स, आज हम एर्टिगा का रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी में फ्रंट में आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर है, लैंप्स, DRL इसमें नहीं आता है, बाकी हेलोजन बल्ब भी है। नीचे आपको फॉग लाइट्स मिलते हैं। इसका बम्पर सी शेप्ड बम्पर है, आप फ्रंट से इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। साइड की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको इसमें मिलते हैं 15 इंच के अलॉय व्हील्स, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM रिक्वेस्ट बटन, क्रोम डोर हैंडल्स। आप साइड प्रोफाइल देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से साइड प्रोफाइल। बैक की तरफ आते हैं तो बैक लुक कुछ इस तरह से, और इसके टेल लैंप जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें LED बल्ब मिलते हैं, फ्लोटिंग टेल लैंप इस तरह से आप कह सकते हैं। इसका बूट हम आपको दिखाएंगे तो छोटा सा है, 7 सेंटर है। अगर इसकी सीट फोल्ड करेंगे तो काफ़ी स्पेस है। अंदर की स्पेसिंग दिखाते हैं गाइस। बैक में आपको एक रियर कैमरा मिलता है गाइस, और कैमरा नोटिस कर पा रहा होगा। चलिए गाइस गाड़ी के अंदर जाते हैं और देख। तो गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो इस तरह का कुछ आपको इसका स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलती है वुडन फिनिशिंग। ये स्टेयरिंग आपका डिजायर और स्विफ्ट में आता है, जो अभी इसमें भी आ गया है। और यहाँ पे आपको ये बेलेनो वाला MID स्क्रीन पूरा एकदम सही देख सकते हैं। RPM मीटर सेंटर में आपका MID, फ्यूल शो करा है वो इकोनॉमिक 10। यहाँ पे आपके ड्राइविंग टाइम शो करेगा, टोटल कितने चल पड़ेगी आइडल टू स्टॉप, ये टॉर्क पावर जब गाड़ी स्टार्ट होगी, जैसा बेलेनो में सेम बिल्कुल। बैटरी, ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये भी स्मार्ट हाइब्रिड है, जब इसमें पेट्रोल कम होगा तो बैटरी से भी चलेगी। अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल की तरफ, तो सबसे सही चीज़ जो आपको लगेगी वो लगेगा इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप देख सकते हैं इसमें FM कॉल, नेविगेशन सिस्टम, तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले प्ले सब कुछ आ जाता है। यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। ये फुली टच स्क्रीन है, वॉल्यूम लो डाउन रिस्पॉन्स काफ़ी सही है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, और ग्लव बॉक्स की स्पेसिंग की बात करें तो काफ़ी एफिशिएंट है। ये आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गियर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। नीचे की तरफ आप स्पेसिंग देखेंगे तो ये स्पेसिंग 2 कप होल्डर्स। यहाँ पर मिलता है आपको USB पावर सॉकेट, ऑक्स केबल, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। और गाड़ी की बात करें तो कुछ ऐसी है, बेसिक सी की है पर काफ़ी सही है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गाड़ी में हैंड रेस्ट मिलता है, जो कि स्लाइड करने वाला है, इसके नीचे ओपन होता है, ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है पर ऐसे। चलो गाइस अब पीछे वाली रो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं पीछे वाली रो की तरफ। सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, आप देख सकते हैं कितना स्पेस है पीछे। हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है आप देखेंगे तो, ये देखिए गाइस। और एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए, आपको इसे ऊपर रूफ में AC वेंट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी कूल लग रहे हैं, और इनसे आपको एयर इंसुलेशन भी काफ़ी सही आएगी। और जो नीचे आपको AC वेंट्स मिले होते थे उनसे आपकी हवा डायरेक्ट ही आपके पाँव में बच जाती थी गाइस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और गाइस और सीट्स की खासियत बताऊं तो ये रेक्लाइन हो जाती है, ये देख सकते हैं गाइस, ये रेक्लाइन कर दूंगा मैं इसको, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको दे सकती है। थाई स्पोर्ट की बात करें तो देख सकते हैं सही है। पीछे आपको डोर्स में एक लीटर की बोतल आराम से बैठ जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। और पीछे के रो में जाना थोड़ा टफ है। अब पीछे के रो में कैसे जाएंगे आप, आपको सर बताएंगे पीछे के रो में क्या चाहिए। पीछे के रो में जा, ये बोल्ट हो जाएगा, ये देख ऐसे करना है और आगे करके ऐसे फोल्ड हो जाएगा, और आप पीछे के रो में जा सकते हैं। पीछे के रो में
स्पेसिंग तो ठीक है, मेरे जैसे छोटे बच्चे बैठ सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है। एसी वेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, आगे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है। और अगर हम इस सीट को पूरा फोल्ड कर दें तब भी यहाँ पे दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं गाइस। और हमें बाहर निकलना हो तो आगे से हम सीट को ऐसे स्लाइड करेंगे। मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा, काफ़ी इजी है अंदर बाहर जाना। अब हम बूट की तरफ आते हैं। तो बूट में आपको यहाँ पे अपना टूल सामान किट टूल किट यहाँ पे मिल जाती है। और गाइस जो इसका टायर है वो स्पेयर व्हील है, वो यहाँ पे नहीं नीचे मिलेगा, जिसको आप यहाँ से खोल सकते हैं यहाँ पे स्पेयर टायर का। और ये आपका टॉप मॉडल है। ये देखिए स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। मैं आपको एक चीज़ मिस आउट कर गया, इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिलता है। और ये देख सकते हैं इसका ये कंसोल, यहाँ पे आपको एक बोतल रखने के लिए होल्डर। ये काफ़ी सही लगा मुझे, वुडन फिनिश दी है पूरी गाड़ी में। यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं MID डिस्प्ले अभी क्या शो कर रही है, 220 तक। काफ़ी सही लगी गाड़ी।